एचएएल ने अपना हाईएस्ट एवर यू एवर एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। इनके जी भर करके गंभीर आरोपों के बावजूद भी वहां के कामदारों को, वहां के कर्मचारियों को उकसाने की भरपूर कोशिश के बावजूद भी आज एचएएल देश की आन बान शान बन के उभर रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिसका बुरा चाहते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है, मैं तीसरा उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था? एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है, क्या कहें? जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे, वो सारे बोल लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है, शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये लोग देश की जिन संस्थाओं की मृत्यु की घोषणा करते हैं उन संस्थाओं का भाग्य चमक जाता है, और मुझे विश्वास है कि ये जैसे देश को कोसते हैं, लोकतंत्र को कोसते हैं, मेरा पक्का विश्वास है देश भी मजबूत होने वाला है, लोकतंत्र भी मजबूत होने वाला है, और हम तो होने ही वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिन्हें देश के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं, इन लोगों को देश के परिश्रम पर विश्वास नहीं है, देश के पराक्रम पर विश्वास नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी सरकार के अगले टर्म में, तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बने। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, अब देश के भविष्य पर थोड़ा सा भी भरोसा होता, जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम आने वाले 5 साल में, नए तीसरे टर्म में हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे, तो जिम्मेवार विपक्ष क्या करता? वो सवाल पूछता, सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ निर्मला जी, बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ, ऐसा करते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। लेकिन या वो कुछ सुझाव दे सकते थे, ये कुछ सुझाव दे सकते थे, या फिर कहते हम चुनाव में जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं, हम तो एक नंबर पर लेके आएंगे और ऐसे ऐसे लेके कुछ तो करते यार। लेकिन हमारे विपक्ष की त्रासदी ये है, और उनके राजनीतिक विमर्श पर गौर कीजिए, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं, अब देखिए कितना कल्पना दारिद्र है। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी क्या अनुभवताहीन बातें सुनने को मिल रही है जी। क्या कहते हैं ये कहते हैं इस लक्ष्य तक पहुंच रहे कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है तीसरे नंबर पर, बताओ।
मुझे लगता है कि इसी सोच के कारण वो सोते रहे इतने सालों तक, तो अपने आप होने वाला है।